मुझे बहुत खुशी है कि मुझे ये अवार्ड मिला है. किसी भी तरह का अवार्ड बहुत ही कीमती होता है, क्योंकि आपको वो अवार्ड एहसास दिलाता है कि आप कितने वैल्यूबल हो, आपने कितना वैल्यूबल काम किया है. तो मेरे लिए अवार्ड बहुत मायने रखता है. एंड आई एम रियली थैंकफुल टू परफेक्ट वुमन, एंड आई एम थैंकफुल टू गुरु, आई एम थैंकफुल टू खुशी जी, एंड आई एम थैंकफुल टू जी ऑल्सो, क्योंकि उन्होंने मुझे यहाँ पे इस लायक समझा अवार्ड देने के लिए और यहाँ बुलाया और ये अवार्ड मिला. आई एम वेरी थैंकफुल. सर आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि सबको पहले कॉन्ग्रेचुलेट कर जाऊंगा, खुशी इज वुमन एज वेल, कॉन्ग्रेचुलेशन टू एज वेल. एंड इट्स अ ब्यूटीफुल इवेंट एंड इट्स अ ब्यूटीफुल कॉज जो गुरु भाई ने इन सब ने ऑर्गेनाइज किया. आई थिंक इट्स अ नाइस प्लेटफॉर्म कि आप सबको चांस देते हो अपना टैलेंट दिखाने के लिए. एंड इट्स अ वेरी नाइस थिंग कि इंडिया इज प्रोग्रेसिंग इन लॉट ऑफ ग्रुप्स. एंड स्पेशली मेरा मानना तो है कि जो कहते हैं ना कि औरत हमेशा एक घर का गहना होती है, तो जो गहने होते हैं ना कभी उनको बाहर निकाल के चमकाना ही पड़ता है, बिकॉज गहना हमेशा चमकता है. सो हमारी जितने भी यहाँ हमारी यहाँ के महिलाएं हैं हमारी इंडिया की, आई थिंक दे आर मार्वेलस. ये इसी बात पर मैं कहना चाहूंगी कि मेरा जो शो आ रहा है अभिलाषा गुजराती कलर्स पर, वो इसी गहने वाली बात के साथ मैं कनेक्ट करना चाहती हूँ कि वो शो इस चीज पर है कि सास जो है वो घर में घरेलू काम करने में और संसार संभालने में इतनी बिजी हो जाती है कि वो पढ़ नहीं पाती है. तो उनकी लाइफ में उनकी बहू आती है जो उन्हें पढ़ाती है, और सास जो है वो बहू को संस्कार सिखाती है. तो ये वही कॉम्बिनेशन है कि सास एक गहना है और बहू उसको बाहर निकाल कर तराश. और वैसे भी कोई एज नहीं होती सीखने की, आई थिंक आप कभी भी सीख सकते हो. एंड हमेशा कहा जाता है कि बिहाइंड एवरी मैन देयर इज अ वुमन. But I would also like to thank all the men जिनकी वजह से हम हैं, क्योंकि उनका सपोर्ट भी हमारे लिए उतना ही जरूरी है बाहर आने के लिए और सोने की तरह चमकने के लिए. और मैं अपने हस्बैंड मिस्टर अजीज खान को भी शामिल करना चाहूंगी इसमें, क्योंकि उनकी वजह से आज मैं यहाँ. जैसे कहते हैं ना, पांच उंगलियां बराबर नहीं होती, जब मुट्ठी बन जाती है तो ताकत बन जाती है. तो वैसे ही हमारी जो भारत की जो नारी शक्ति है वो एक ताकत. थैंक यू. एंड वन मोर थिंग.